परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में रविवार को मुख्य प्रधान प्रबंधक एवं नोडल ऑफिसर गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा ने परिवहन निगम के विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य प्रधान प्रबंधक ने कोरोना वायरस के दौरान उठाए गए लॉकडाउन से परिवहन निगम को हुए नुकसान और त्योहारी सीजन में रोडवेज की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य प्रधान प्रबंधक एवं नोडल ऑफिसर गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा ने बताया कि गोरखपुर बस स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा, जहां पर एक ही छत के नीचे यात्रियों को रेस्टोरेंट और मॉल सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बैठक में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रधान प्रबंधक एवं नोडल ऑफिसर गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा ने कहा, जैसे स्टैंपिंग करते हैं तब तो होता है, ये बीच में लोग चेक भी करते रहते हैं 5 लीटर वाले से, और अपने भी चेक किया जाता है। लेकिन ये वो सर जो है आपकी बात सर, उसमें जैसे एक आध डिलीवरी ये खुद अपने सामने जो है उतरवाए, जैसे महीने में या तो एक महीने बाद। ऑफिसर अगर इंडियन ऑयल के हैं, इनके पास रिटेल का भी काम है, इनके पास भी, मैं इस बात कह रहा हूँ, ये हर समय तो नहीं करता, हर समय नहीं सर। ये है, लेकिन जहाँ कंप्लेंट है मैं इधर रोध करूंगा। एक देवरिया देख लीजिए आपका, और आपके कहाँ है? राप्ती, मैं हूँ राप्ती नगर में, खुद से उतरवाया था। ये राप्ती नगर में तो मेरे ख्याल से जनवरी की बात है सर, और देवरिया में हो सकता है मेरे ख्याल से अगस्त हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ डिलीवरी 3 बार चेक कर लीजिए सर। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सर, दो तीन बार चेक कर ले। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सर, आप सुबह एक तो सबके यहाँ सर बोलिए कि कॉपर वाला जो जा रहा था आपके यहाँ, तो है हमारे यहाँ सर एक पंप में 11:30 बताता था, उससे हम लोग जब एक दो 5 लीटर का जरा एक आध दो निकालते थे, और सार्टेज से परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा चिल्लाए उल्लाए आकर के इनको ले गए बाट नापा में। हम कहे आप नाप दिखाओ, उन्होंने जब नापा, एक नापा, दो नापा, तीन नापा, हमने कहा बढ़ते जाओ नापते जाओ, उसने गैलन में जो है वो 60 बताया, तो हमने कहा ये बताओ ये कैसे 60 हो गया। नहीं, हमने पूछा तो उसने कहा कि ये टोटलाइजर मशीन की कमी है, जब आप ज़्यादा डीजल भर देंगे। आज ये हमारे जो, मैं यहाँ का नोडल ऑफिसर हूँ, इसलिए यहाँ पे हर 2 महीने पे आना होता है। वैसे तो हम लोग निरंतर अनुश्रवण करते रहते हैं फ़ोन पर और उस पर अपने जो इंटरनेट पे, लेकिन यहाँ की कुछ भूतपूर्व समस्या ये हो गई थी कि हमारे जो नए डिपो बन रहे हैं राप्ती नगर में, आप जानते हैं गोरखपुर डिपो शिफ्ट हो रहा है और क्षेत्रीय कार्यशाला, एक तो उसकी कार्य की समीक्षा की जानी है, उसमें थोड़ी सी विलंब हो रहा है, निर्माण जो निर्माण एजेंसी हैं वो उनके तरफ से उस बारे में हमने चर्चा की, उसको ये कार्य थोड़ा सा उनके जो कोविड से प्रभावित हो गया था और अभी भी बहुत पीछे है, जो उसको पिछले वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उस बारे में हमने चर्चा की और उसको यथाशीघ्र कंप्लीट करा के ये जो हमारा बस अड्डा है इसको भी फिर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बस स्टेशन आपने देखा कि थोड़ा सा जल भराव इत्यादि की समस्या और भी है, इसलिए हमने एक तो वो फोकस एरिया था हमारा, इस बारे में बात की। जी ये एक्चुअली महानगर में जो विद्युत इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, ये हमारे नगर विकास विभाग इसको देख रहा है, इसमें परिवहन निगम का अभी इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ये विभाग अलग है उनका, लेकिन वो बसें आ रही हैं जहाँ मेरी जानकारी है नगर विकास विभाग से, और शीघ्र गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों को चार्जिंग स्टेशन इत्यादि बन जाएंगे और वो प्रारंभ होने का वो चल रहा है। परिवहन निगम में उसका अभी रोल नहीं है, लेकिन नगर विभाग कर रहा है उसको। जैसा आप जान के अवगत हैं कि 23 बस स्टेशन प्रदेश में इसलिए सेलेक्ट किए गए हैं जिनको PPP मॉडल में डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति है जो सचिव की, उसके परीक्षण चल रहा है और शीघ्र ही रीटेंडर होने वाला है। एक टेंडर हो चुका था पर उसमें यथा मतलब जितने आवश्यक थी लोग नहीं आ पाए, तो उसके लिए उसकी जो शर्तों को कुछ परिवर्तित करके सरल करके फिर से टेंडर होने जा रहा है। गोरखपुर के लिए जो बस स्टेशन है हमारा वो सबसे अच्छे बस स्टेशनों में बनाया जाएगा और इसकी डिज़ाइन भी तैयार हो रही है,
और इसका अप्रूवल होते ही इसकी डिज़ाइन भी पब्लिक हो जाएगी। इसमें जैसा आप जानते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे बसेस खड़ी होंगी और ऊपर जो डेवलपर होगा वो अपने मॉल या और भी चीज़ें बनाना चाहेगा, कमर्शियल ऑफिसेज बनाना चाहेगा वो बना लेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सफाई की, उसकी बसों की भी, जो पार्किंग की, ये सारी व्यवस्था हाईटेक रहेगी। इसमें टैक्सीज के लिए आने जाने का अलग द्वार होगा, बसों के इनलेट अलग होगा, एग्जिट अलग होगा। पार्किंग दो प्रकार की होगी, एक आइडल पार्किंग होगी, एक एक्टिव पार्किंग होगी। यानी किसी बस को अगर 6 घंटे बाद जाना है तो वो पीछे खड़ी होगी, और जो बे बनी रहेगी, जो माल जो बस पहले जाने वाली है वो वहाँ पे खड़ी होगी, उसके बाद 15 मिनट बाद वो हट जाएगी, फिर दूसरी बस आ जाएगी टाइम टेबल के अनुसार। तो ये अति आधुनिक, जैसा कि आपने देखा होगा अन्य शहरों में, बड़े शहरों में है, उसमें उसी व्यवस्था से ये बनाया जाएगा।